नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IS Prep पर। कम्युनिटी पोस्ट पर अक्सर प्रश्न यहाँ पर डाले जाते हैं और उसके उत्तर आप लोग देते हैं। कई प्रश्नों के उत्तर सही होते हैं और सही गलत का निर्णय यहाँ पर उत्तर की प्रतिशतता के हिसाब से होता है, लेकिन कई बार प्रश्नों के उत्तर गलत दे दिए जाते हैं और उनका परसेंटेज इतना ज़्यादा होता है कि वो लगता है कि सही आंसर होंगे, ज़्यादातर लोगों ने दिया है। लेकिन एक कहावत है ना कि जिधर भीड़ चलती है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रास्ता सही ही हो, तो वो उत्तर गलत है। मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और कई मित्रों ने, कई लोगों ने कहा भी कि उसका सही उत्तर भी बताया जाए। कम्युनिटी पोस्ट पर उत्तर मैं नीचे बता दूं, लेकिन सब लोग खोल के देखते नहीं हैं, उसको ओपन नहीं करते हैं मैसेज। तो ऐसे में मैंने सोचा कि 20 क्वेश्चन जैसे हमने आज कम्युनिटी पोस्ट पर डाले थे, हिस्ट्री से रिलेटेड थे, प्राचीन भारत के क्वेश्चन थे, तो उसके उत्तर डिस्कस कर दिए जाएँ। मैं ओम प्रकाश पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को, कम्युनिटी पोस्ट के आंसर देने की यात्रा को, और ऐसे आगे भी अब होता रहेगा। जो भी 10, 15, 20 क्वेश्चन डाले जाएंगे उनका कुछ समय बाद, दो चार घंटे बाद, एक दिन बाद, जब भी टाइम मिलेगा उसका उत्तर दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो ये हिस्ट्री का पहला प्रश्न था कम्युनिटी पोस्ट का, वो ये था कि अशुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। पहला प्रश्न देखिए, H1 का मतलब है हिस्ट्री का पहला प्रश्न। ऐसे ही ये सीरीज पूरी आगे चलेगी जितना हो सकेगा, और इसमें अशुमेलित युग्म की पहचान करनी थी। लोथल भोगवा नदी, ये सही है। आलमगीरपुर हिंडन नदी, सही है। कोट दीजी, ये रावी नदी दिया है। और बनमाली सरस्वती नदी, यहाँ पर जो भी आंसर लोगों ने दिया है सही दिया है। कोट दीजी रावी नदी पे नहीं था, है ना। कोट दीजी जो था वो सिंधु नदी पे था। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, सिंधु। तो ये सिंधु नदी पे था, ये आंसर आप सही कर लीजिए। लोगों ने सही आंसर भी दिया था, जिन्होंने गलत दिया था, जैसे 3%, 2%, 12% ये आंसर जो आ रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आगे से आप समझ जाएंगे। तो इसका सही आंसर है कोट दीजी रावी नदी गलत है, कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर था। आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या दो लेते हैं। प्रश्न संख्या दो था, हड़प्पा सभ्यता में साक्ष्य मिले हैं स्वास्तिक के, चक्र के, क्रॉस के, उपयुक्त सभी के। अधिकतर लोगों ने उत्तर दिया स्वास्तिक के, लेकिन ये गलत आंसर है, है ना। इसका सही आंसर है जो 13% लोगों ने दिया है, 84% वाला गलत है, उपयुक्त सभी। स्वास्तिक मिला है, चक्र भी मिला है, क्रॉस भी मिला है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें, है ना। ऐसे नहीं होगा कि आप बस कुछ भी आंसर दे दें, यही गलतियाँ तो हम वहाँ पर भी करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या तीन, हड़प्पा कालीन मोहरों को बनाने में सर्वाधिक मात्रा में किसका उपयोग किया गया, और इसका सोना, चांदी, सेलखड़ी, तांबा, ये चार विकल्प था। और इसमें जो आंसर अधिकतर लोगों ने दिया 81% लोगों ने सेलखड़ी, ये सही आंसर है, है ना। तीसरा आंसर इसका सही है, सेलखड़ी। चौथा प्रश्न था, हड़प्पा सभ्यता का मूल आधार था व्यापार, कृषि, सेवा, उपयुक्त सभी। बताइए इस प्रश्न का कितना गलत जवाब दिया गया है आप लोगों के द्वारा, यही गलती आप वहाँ पे भी करके आएंगे। इसमें 8 कमेंट देखिए ये आए हैं, कुछ लोगों ने सही आंसर दिए हैं, एक दो लोगों ने, नहीं तो गलत आंसर भी दिए हैं लोगों ने, ठीक है ना। व्यापार नहीं होगा, हड़प्पा सभ्यता का जो मूल आधार था अर्थव्यवस्था का, वो व्यापार नहीं था, ठीक है ना। तो ये आप बिल्कुल सही से ध्यान रखिए, आप लोग ऐसे गलत कर देंगे समस्या हो जाएगी। इसका मूल आधार था कृषि, कई लोगों ने कमेंट करके सही आंसर दिया है, तो कृषि याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 5, वैदिक सभ्यता मूलतः थी, कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण थी, नगरीय थी, महानगरीय थी, इनमें से कोई नहीं। महानगरीय तो ऐसे ही निकाल दीजिए, दो पे विचार कीजिए, ग्रामीण थी कि नगरीय थी। तो 5वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण, अधिकतर लोगों ने सही आंसर दिया है, 70% लोगों ने, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की, मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, है ना। मध्य एशिया था कि जर्मनी था कि तिब्बत था कि उत्तरी ध्रुव था, यहाँ पर आपको ये बताना है। अब ये प्रश्न आपने लगभग सभी लोगों ने सही किया है, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। मध्य एशिया, ये मैक्स मूलर के अनुसार था मध्य एशिया। जर्मनी किसके अनुसार था, ये प्रोफेसर पेंका थे उन्होंने कहा था। और तिब्बत किस अनुसार था, ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। और उत्तरी ध्रुव भी कहा था बाल गंगाधर तिलक महोदय ने। तो अगर बाल गंगाधर तिलक के अनुसार पूछा जाएगा तब आप उत्तरी ध्रुव टिक करेंगे, नहीं तो मध्य एशिया इसका सही आंसर है। तिब्बत भी कब मारेंगे आप, कब टिक करेंगे, जब दयानंद सरस्वती के अनुसार पूछा जाएगा। मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया। प्रश्न संख्या 7, ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी इनमें से, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु।
कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है और कितनी बड़ी गलती यहाँ पर लोगों ने की है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी पूछा जा रहा है, लोगों ने टिक कर दिया सरस्वती। सरस्वती गलत आंसर है, ज़्यादातर लोगों ने सरस्वती टिक किया है। इसका सही आंसर है सिंधु। सरस्वती जो थी वो द्वितीय स्थान पर थी, दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा कहा गया और सरस्वती को दूसरी प्रमुख नदी माना गया, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु था, इसका वर्णन कई बार आया है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अश्वमेलित युग्म की पहचान कीजिए। ये युग्म में लिखा हुआ है लेकिन युग्म ये है, ये गड़बड़ हो गया है, तो युग्म की पहचान करना है। काबुल, कुभा, गंडक, सदानीरा, व्यास, वितिस्ता, चेनाब, अश्किनी। अब आपको यहाँ पर उत्तर देना है कि ये जो प्राचीन नाम और नए नाम हैं नदियों के, काबुल तो सही दिया हुआ है, काबुल को कुभा ठीक है कहते थे, गंडक को सदानीरा कहते थे, व्यास को यहाँ पर सही आंसर लोगों ने दिया है वितिस्ता नहीं कहते थे, व्यास को बिपाशा कहते थे। व्यास को क्या कहते थे? बिपाशा। तो वितिस्ता किसको कहते थे? वितिस्ता कहते थे झेलम को। ये भी ध्यान कर लीजिए, हो सकता है यही विकल्प में आपको दे दिया जाए, तो वितिस्ता झेलम का नाम था, ये आपको ध्यान में रखना है। चेनाब अश्किनी सही है। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? ग्रामीण ग्राम का प्रधान, जन अनेक विषों का समूह, विष कई गांवों का समूह। असुमेलित युग्म की पहचान करनी थी। ग्रामीण ग्राम का प्रधान होता था है ना, और कई गांवों के समूह को विष कहा जाता था, और जब कई विष मिल जाते थे, कई विषों का जब समूह होता था तो उसे जन कहा जाता था। तो ये तीनों विकल्प सही हैं। पूछ रहा है कौन सा असुमेलित है, तो कोई भी नहीं, यानी कि सारे सुमेलित हैं। आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम विकल्प, कोई भी नहीं, ये सारे के सारे सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 10। वैदिक काल में पुरप क्या होता था? राजा, व्यापारी, दुर्गपति, गुप्तचर। कितना गलत आंसर इसमें दिया है सब लोगों ने, 50%, 74 वोट इस पोस्ट को आए हैं, उनमें से 50% लोगों ने क्या कहा, 37 लोगों ने कहा व्यापारी, गलत आंसर है। दुर्गपति सही आंसर है इसका, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 11। वैदिक काल में प्रश्न विनाक शब्द प्रयोग किया जाता था, किसके लिए प्रयोग किया जाता था प्रश्न विनाक शब्द? गुप्तचर के लिए, न्यायाधीश के लिए, सभापति के लिए, पुरोहित के लिए। यहाँ पर आंसर सही दिया है लोगों ने, जो न्यायाधीश हुआ करते थे उनके लिए प्रश्न विनाक शब्द का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया? लोगों ने गलत आंसर इसका दिया है। प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर क्या होगा? प्रथम और आठवां मंडल, फर्स्ट एंड एर्थ मंडल जो है, ये जो है क्या था, अंतिम में जोड़ा गया, सबसे बाद में जोड़ा गया ये मंडल था। यहाँ पर लोगों ने गलत आंसर क्यों दिया ये मुझे समझ में नहीं आता है। ऋग्वेद का प्रथम और आठवां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, बिल्कुल सही से ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 13। ऋग्वैदिक काल में बेकनाट कौन थे? 95% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, सबसे ज़्यादा सही आंसर वाला यही प्रश्न है। ये ऋणदाता था जो अधिक ब्याज लेता था, जो भी ऋणदाता अधिक ब्याज लेते थे उनको बेकनाट कहा जाता था, ठीक है ना। तो ये आंसर सही है, बिल्कुल सही, यहाँ भीड़ सही रास्ते पे चली है। प्रश्न संख्या 14। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। सीता, हल से बनी नालियाँ, पर्जन्य बादल, ब्रिक बैल और उर्दर हलवाहा। ओटिंग देखा जाए तो ओट के लिहाज से ये उत्तर सही है, क्योंकि उर्दर हलवाहा इसमें असुमेलित युग्म है। सीता हल से बनी नालियाँ थी है ना, पर्जन्य बादल था, ब्रिक बैल था। सीता जो पूछा जाता है, कभी कभी जोता हुआ खेत भी पूछा जाता है ऐसे दे करके, क्योंकि जब हल से नली बनी नालियाँ होंगी तो खेत जोता ही जाएगा। उर्दर जो होता था वो अनाज नापने वाला पात्र होता था जिससे अनाज को मापा जाता था। तो ये डी विकल्प गलत है, उर्दर के बारे में आप याद भी कर लीजिए। प्रश्न संख्या 15। ऋग्वैदिक काल में सर्द, वार्त व गढ़ क्या थे या थी, क्या थी? सैनिक इकाइयाँ, कृषक, पुरोहित, व्यापारी। और इसका भीड़ ने सही आंसर दिया है, आप लोगों ने अच्छा आंसर दिया है, 64% लोगों ने कहा सैनिक इकाइयाँ और ये सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। गार्गी, गंधर्व, गृहीता व मैत्रेयी आदि विदुषी कन्याओं का उल्लेख किस में मिलता है?
और इसका सबने सही आंसर दिया है शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है ना। 18% लोग कह रहे हैं ऐत्रेय ब्राह्मण, ये गलत है, आप लोग अपना देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, शतपथ ब्राह्मण इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल कौन सी थी। बहुत गलत आंसर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे दुख हुआ है कि इसका गलत आंसर आप लोगों ने क्यों दिया, अधिकतर भीड़ ने इसका गलत आंसर क्यों दिया। और इसका 17 का सही आंसर है डी, गेहूं और धान दोनों जो ये थे, गेहूं और धान दोनों फसलें ये उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसलें थी। जौ जो था ये ऋग वैदिक में था, क्यों ध्यान नहीं रखते आप लोग, ये ऋग वैदिक याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत सही से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 18, निष्क सतमान पाद कृष्णल क्या थी, ये क्या थी बताइए। माप की इकाइयां, कृषि भूमि जोत का आकार, कहानी संग्रह, औजार। और प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर है बताइए, जो ओट मिला है वो सही मिला है, माप की इकाइयां ही थी ये 18, बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 19, अश्वमेलित युग्म की पहचान कीजिए, अश्वमेलित युग्म की पहचान आपको करना है। सांख्य कपिल, पूर्व मीमांसा वादरायण, योग पतंजलि, न्याय गौतम। जिन लोगों ने कहा योग पतंजल नहीं होगा तो क्या बाबा रामदेव को मान रहे हैं, वो योग पतंजल सही है, न्याय गौतम सही है, सांख्य कपिल सही है, और इसका गलत आंसर है पूर्व मीमांसा वादरायण नहीं, ये जैमिनी होगा। पूर्व मीमांसा का कौन होगा, जैमिनी, और वादरायण किसके थे, उत्तर मीमांसा के थे, ठीक है ना। तो भीड़ ने सही आंसर दिया है, आप लोगों ने बहुत सही आंसर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न को देखते हैं, अध्वर्य शब्द का अर्थ क्या है। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित, यजुर्वेद का मंत्रोच्चारण करने वाले जो मंत्रोच्चारण करते थे वो पुरोहित, प्रार्थना करने वाले पुरोहित, विधिपूर्वक यज्ञ करने वाले पुरोहित। और इसका सही आंसर है जो आप लोगों ने दिया है, 281 वोट इस पोस्ट को आई हैं और 88% लोगों ने सही उत्तर दिया है, यजुर्वेद का मंत्रोच्चारण करने वाले जो पुरोहित थे। सामवेद का जो गायन करने वाले पुरोहित थे उनको उद्गाता कहा जाता था, आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और जो यजुर्वेद का मंत्रोच्चारण करते थे ये आप अधिवर्य जान ही गए, और प्रार्थना करने वाले जो पुरोहित होते थे, प्रार्थना करने वालों को होता कहा जाता था, और विधिपूर्वक यज्ञ करने वाले जो पुरोहित थे उनको ब्रह्मा कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें आपको हर हाल में रट के समझ के तैयार कर लेनी चाहिए। आगे ऐसे कम्युनिटी पोस्ट पर आप पोस्ट देखते रहिए, आंसर देते रहिए, वोटिंग करते रहिए, और हम लोग ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।